हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, जितिया व्रत संपन्न हो चुका है और पारण भी हो चुका है। हम लोग का बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत था ये और निर्जल उपवास था। और मेरा तो 36 घंटे का निर्जल उपवास हो गया था, क्योंकि मैं आज मायके और ससुराल में जिस तरह होता है उस तरह से करती हूँ। तो वहाँ पे मिथिला पंचांग के अनुसार किया जाता है बिहार में, तो मैंने उसी तरह से किया था। तो मेरा 36 घंटे का उपवास हो गया था बिल्कुल निर्जल और बहुत ज़्यादा, लगभग तो लास्ट में बेहोश लग रहा था कि मैं बेहोश ही हो जाऊँगी, ऐसे चक्कर वक्कर आने लगे थे। लेकिन फिलहाल मैं अभी ठीक हूँ और खाना पीना मैंने बना लिया है। और इतने सारे पकवान बनते हैं इसमें ना, इस पर्व में, कि क्या ही बताऊँ। करने वाली मैं अकेली हूँ और पकवान बहुत सारे बनाने होते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शॉर्टकट में ही बना लेती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, क्योंकि फिर खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ फिर उसमें बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इसलिए मैंने मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी मैं इसमें से कुछ स्किप कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुमको जो सुविधा लगे वही तुम बना लो। तो बस मैंने वही सब बना लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। बहुत सारे लोगों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारी इसी पर्व को बहुत सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग तरह की पूजा होती है, अलग अलग तरह की कथाएं होती हैं। तो सभी के अपने अपने रिवाज हैं और मेरे यहाँ जिस तरह से हुआ था या होता है मैं उसी तरह से करती हूँ। और यहाँ पे सुबह में व्रत शुरू करने से पहले जो खाया जाता है तो वही मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ। और ये है सुबह की क्लिप, लगभग 3:30 बज रहे थे और बिल्कुल अकेली मैं यहाँ पर आई थी खाने के लिए। बच्चों को मैंने उठाया लेकिन वो नहीं उठ रहे हैं इतनी सुबह, और कहा जाता है कि बच्चों को खिला के खाना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे उठते ही नहीं हैं। मुझे याद है मेरी मम्मी हम लोगों को उठाती थी सुबह में और अपने साथ ही कुछ खिला देती थी, उसके बाद ही खुद खाती थी। लेकिन भाई, आजकल के ज़माने के बच्चे हैं, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि सुबह में उठकर चूड़ा दही या कुछ ऐसे फल फ्रूट वगैरह खाए जाएं, वो भी नींद ख़राब करके। तो उनके लिए नींद बहुत प्यारी है। और यहाँ पे मैं ग्लूकोन डी घोल रही थी अपने लिए, इससे पेट ठंडा रहता है और एनर्जी भी मिली रहती है, तो इसीलिए मैं ये पी लेती हूँ सुबह में, एक गिलास तो ज़रूर पी लेती हूँ। और व्रत ख़त्म होने के बाद की ये है क्लिप, क्योंकि इस बीच में बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि बस पड़े रहो चुपचाप, कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ काम ना करें, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बस ये नेक्स्ट डे की फिर ये क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बड़ी बनाई थी और अभी मैं पकोड़े तल रही हूँ, आलू के और लौकी के पकोड़े। और कढ़ी बड़ी मैंने बनाई थी और छोले बनाए थे और चावल। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी फटाफट से कर रही हूँ कि जल्दी से फिर ये सब काम ख़त्म होकर निपट जाए, उसके बाद मैं फिर खाना खाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ ये यमी यमी और टेस्टी सा खाना गर्मा गर्म। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।